सुनिए, तीसरी बात यह है, अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर के ऊपर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात जरा सुनो भाई, जरा ठहरो, सुनो सुनो सुनो। और ये सामने बैठने वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, प्लीज जरा सबर सबर। तीन दिन से मैं गवर्नमेंट का मेहमान रह के आया, जरा तो ख्याल करो मेरा, जेल में रखे हमारे को, वहां का जेलर परेशान, रोज मेरे को बोल रहा आके, साहब मैं 11:30 बजे आया, आप मस्त सो रहे थे। मैं बोला क्यों भाई, परेशानी की बात क्या है? नहीं यार, जेल को आए तो लोग सोते नहीं, आप मस्त सो रहे। मैं बोला नहीं, हमारे को सोने की आदत है। जैसा कि शायर ने कहा कि तेगों के साये में पल के जवां हुए हम, खंजर हलाल का कौमी निशा हमारा। इन्हें परेशान है, SB के लोग आके पूछ रहे इनकी तबीयत कैसी है, इन अच्छा सो रहे, अच्छा खा रहे। मेरे को बोले नहीं साहब, जेल का ही खाना देते। मैं बोला वही दे दो भाई, मैं खाना मेरे को फिक्र नहीं है, तुम जो दिए खाता हूं। हमारे को 3 दिन रखे, जरा प्लीज ख्याल करिए आप। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। मैं आज आपके सामने एक वाकया का जिक्र कर रहा हूं, मैं एक वाकये का जिक्र कर रहा हूं कि शायद 1980 के किसी वक्त की बात है। मरहूम कायद सालार मिल्लत को शहर बदर कर दिया गया था, फिर शहर से लेके आए तो मेरे ख्याल से चंचलगुड़ा या फिर मुशीराबाद जेल में रखे। हमारी एक फुपेरी बहन अमेरिका से आए थे, वो मिलने गए, तो मैं और अकबर शायद हम लोग 11 और 12 साल के थे, हम लोग भी गए हमारी फुपेरी बहन के साथ। तो जब जेल के अंदर गए तो एक जालिम जेलर था, उसने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 लोगों को इजाजत देता हूं। तो हमारी बहन ने कहा कि देखो, ये सलाहुद्दीन साहब की बहन है और मैं उनकी बेटी हूं, ये 2 छोटे बच्चे। तो नहीं, 2 ही लोग जाना। हम दोनों बच्चों को अंदर लिए और बाहर रोक दिए। आप सोचिए कि मैं अपने वालिद को 1.5 महीने से नहीं देखा था और बड़ा बेचैन था कि मैं अपने वालिद को देखूंगा। तो हिम्मत करके मैं ऐसा अंदर गया तो वहां जो पुलिस वाला था, हाथ पकड़ा मेरा, बाहर जाओ। और मैं अपने वालिद मरहूम सालार को देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरी उम्र 12 साल की थी, रोना शुरू कर दिया मैं। अकबरुद्दीन अवैसी की शख्सियत तुमको बता रहा हूं। यह शख्स आया और उसका पुलिस वाले का हाथ झटका, कहा तू कैसा मेरे भाई का हाथ पकड़ता, मैं मिलूंगा, मैं अपने बाबा से मिलूंगा। और मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गया, चलो भाई आप। ये 11 साल में यह हाल था, ये 11 साल में यह रंग था। अब अगर मैं उनकी उम्र बोलूं तो उनको बड़ी चिढ़ आती है, उनकी उम्र बोले तो। वो हमेशा अपने आप को कलरफुल समझते, इंशाल्लाह अल्लाह उनको हमेशा कलरफुल रखेगा, अल्लाह उनको कलरफुल रखेगा, वंडरफुल रखेगा, और हमेशा अल्लाह उनको मुजाहिद बनाकर रखेगा। ये 11 साल में ये हाल था अकबरुद्दीन अवैसी का। मरहूम कायद जब देखे दौड़ते आए और आकर हम दोनों को अंदर लेकर गए। अजीजान मिल्लत, हमने अपने बचपने में हमारे स्कूल में स्कूल के बच्चे हम पर ताना मारते थे, अरे शहर में फसाद हो गया, तुम्हारे बाप को पकड़ लिए शायद। हम वो ताने सुन के बड़े हुए। हम अपने वालिद को जेलों में देखे, घर में कम देखे। हम अपने वालिद को जलसे सुने, रातों में हम जाते थे दौरों को, अहमद पाशा कादरी गवाह है। अजीजान मिल्लत, यकीनन हम कमजोर हैं, हो सकता हमसे गलतियां हुई होंगी। मैं कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं फरिश्ता हूं, यकीनन इंसान हूं, मगर मेरी रगों में जो जिस बुजुर्ग का खून दौड़ रहा है,
वो अब्दुल वाहिद ओवैसी का खून दौड़ रहा है। सुनो जालिम कांग्रेस वालों, तुम अगर ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि हम किसकी नस्ल हैं। हम अब्दुल वाहिद ओवैसी की नस्ल हैं, और वो अब्दुल वाहिद ओवैसी जिसने बातिल से समझौता नहीं किया, 11 महीने जेल में रखा गया अब्दुल वाहिद ओवैसी को, 11 महीने जेल में रखा गया एक 6 फीट बाई 6 फीट के कमरे में, मगर इस शख्स ने बातिल से समझौता नहीं किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बैंक के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। आज मेरे चचा यहां पर बैठे हुए हैं, एक चचा का मेरा इंतकाल हुआ 1 महीना पहले, ये दोनों हमसे कहते थे कि मियां वो ऐसा दौर था कि हम लोग फिसल बंडे से उस्मानिया यूनिवर्सिटी पैदल जाते थे, घर में पानी बंद कर दिए थे, और हमारी इनकी वालदा को अपने घर का जेवर बेचना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी घर की खवातीन महबूबिया स्कूल को जाकर पानी पीते थे। आज मुझे कहना पड़ रहा है, बताने के लिए कोई एजाज या फखर के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात का पूरा अल्लाह पर भरोसा है, मुझे खुशी है कि मैं इसी नस्ल में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, कि हमने मसायब और मुश्किलात का सामना किया मगर हमने कभी बातिल से समझौता नहीं किया। मसायब उठाए, मुश्किलात उठाए, लड़ा हमने। दारुस्सलाम का 11 साल तक मुकदमा लड़ा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। ये आज तुम जो देख रहे हो मुसलमानों, ये बिल्डिंग, ये इमारतें, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालारे मिल्लत की अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं, ये अल्लाह से खौफ की निशानियां हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी की निशानी है, ये दारुस्सलाम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की निशानी है कि हम मर भी जाएंगे तो यहां पर दफन नहीं होंगे, ये तुम्हारा, ये कौम इसकी मालिक है। हम मुकाबला की हुकूमतों से और मुकाबला करते रहेंगे, ऐसे चीफ मिनिस्टर बहुत आए चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको जिससे निस्बत है, हमको जिस नाम से निस्बत है, हमारा ताल्लुक किससे है? हज़रत ओवैस करनी से, जिसने अपने पूरे दांतों को निकाल दिया रसूल अल्लाह के लिए। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी चंद महीनों के लिए जेल की सोबत को बर्दाश्त नहीं करेगा? क्या सऊद्दीन ओवैसी अपनी जान के नजराने देने के लिए तैयार नहीं होगा? यकीनन होंगे, इसलिए होंगे कि अल्लाह ने कह दिया कि मैंने तुम्हारे जान और माल को जन्नत के वस खरीद लिया। ये जालिम लोग जेल में डालकर समझ रहे कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, नहीं होंगे, हमारे हौसले नहीं पस्त हो सकते। हम लड़ते हुए जाएंगे, सीना तान कर जाएंगे, हम कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर किसी एक आदमी के पास पैगाम पहुंचाए, हमारे दोस्त के पास, चीफ मिनिस्टर जो है आपके मुखालिफिन को क्या बोले, मेरे को 3 करोड़ रुपये देंगे, कहते हमारे मुखालिफिन केबल चैनल शुरू करना, उन्होंने कहते बड़े बड़े गुंडों को मैदान में उतारेंगे और उन्होंने इस इलेक्शन में ऐसा करेंगे। मैं बोला ये क्या, ये सही बोल रहे? आप बोल तो हाओ भाई, उन्होंने आके बोले। मैं बोला क्या पागल हो गया, 3 करोड़ रुपये देते कहते हो, 3 करोड़ रुपये में खौम बिकती लाहौल बला खुआ। अरे बिकने वाले बिकते होंगे, हम रसूल अल्लाह के नाम पे बिकने वाले हैं, हम रसूल अल्लाह के नाम पर बिकने वाले हैं। लगाओ बोली, कौम इतनी कमजोर नहीं है कांग्रेस वालों, आप गुंडों को उतारेंगे, उतारो गुंडों को, आप गुंडों को उतारो, फिर देख लो शहर में क्या होता। अच्छा पुलिस की बात, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर केस बुक कर दिया। अच्छा करे भाई कोर्ट से आया ना, सीआरपीसी का सेक्शन है कि 2 क्राइम, अगर 1 क्राइम के ऊपर कई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकते। तो बाद में मेरे को कोई बताए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो इंस्पेक्टर है
वो करप्शन में सस्पेंड हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर उसको बहाल करे, मगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए उन्हें वफादारी निभा रहे, अच्छी बात है। अब हाई कोर्ट में हम पार्टी बनेंगे, तुम ये करें ना हम वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लिख लो पुलिस वालों, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्टर का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं नहीं दिखती आपको, मैं देख रहा हूं कहां है मालूम, बैठो। अब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, इंप्लीड होंगे तुम्हारे केस में। कैसा करप्ट आदमी इंस्पेक्टर रह सकता भाई, कैसा करप्ट आदमी इंस्पेक्टर रह सकता बताइए आप। इंप्लीड होंगे अब हम इंशाल्लाह, आप तैयार हो जाओ, तैयारी करो। दूसरी तीसरी बात पुलिस के ताल्लुक से, कल टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रिपोर्ट आई कि कमिश्नर पुलिस ने जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन के खिलाफ NBWs और वारंट है निकालो बोल के आर्डर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं ये कि कमिश्नर पुलिस साहब से पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस का एक लीडर था जो गांधी भवन में फर्नीचर जलाया, उसके ऊपर भी NBW है, केस है, आप क्या करें? कांग्रेस का एक यूथ लीडर है, रिलायंस के दुकानों को जलाए तोड़े, वो आप क्या कर रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक मिनिस्टर साहब थे, पासपोर्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट ऑफिसर को मारे, उनका भी है, क्या कर रहे आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, महबूब नगर का एक मिनिस्टर था, TRS में चला गया, वो मारा ऑफिसर को इलेक्ट्रिसिटी के, वो केस है, आप क्या कर रहे? बहुत बोल सकता हूं मैं, आप इतना याद रखिए कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मेरी लड़ाई जमहूरी अंदाज में हुकूमत से है, पुलिस से नहीं है। और यह हुकूमत कब तक रहने वाली है, कब तक रहने वाली है मेरे भाई? 2014 मई में इलेक्शन होना, 3 महीने गए तो उसके बाद क्या होता, एक साल ही बाकी रहता। अब आपको मालूम ना ये लोग वापिस नहीं आने वाले है, नहीं आपको आपको मेरे को आपको मालूम, उनको बोल रहा हूं मैं, उन्हों तो वापस नहीं आने वाले, तो कई को साथ दे रहे भाई आप नको दो साथ उनका, उन्हों तो नहीं आने वाले, मैं तो आके रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज साथ है ना, ये साथ भी आएंगे और इंशाअल्लाह ताला साथ से इजाफा होगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि जीतने वाले घोड़े का साथ दो, ये लंगड़े टट्टू का साथ छोड़ दो। आप कानून को फॉलो करो, सब बराबर है, आप तरफदारी मत करो, आप तरफदारी मत करो, जो कानून तोड़ा उसके लिए बराबर है। और एक IPS ऑफिसर है, बैठिए बैठिए, सुनिए, छोड़ दो छोड़ दो, सुनो मेरी बात को जरा, क्लाइमेक्स पे आ रहा हूं मैं, अब सुनो। एक IPS ऑफिसर है, उन्हों जाते ही नहीं शहर से, 6 साल से शहर में थे उन्हों, जब ये वाकया हुआ चार मीनार की मंदिर का, उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, सब चीज में उनका रोल। फिर मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेजा एक दिन अचानक, क्या MP साहब आप हमसे बड़े नाराज हैं। मैं अचानक डर गया कि भाई मेरी शादी हो गई, बच्चे हैं, ये कौन सा, मैं समझा नहीं, मैं बोला किसका है भाई ये, डर गया, क्योंकि आजकल आप देख रहे ना स्टिंग ऑपरेशन होता, मैं देख के हंसा, मैं अच्छा अब इनको हम याद आए। नहीं, आपकी वफा की और मोहब्बत की बातें नहीं, आप जो रोल अदा करे वो सारी दुनिया जानती। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस की हुकूमत से है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फिरकापरस्त गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, ये गवर्नमेंट आवाम पर बोझ आयद कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के, बर्फी के कीमतों में इजाफा करके, फ्यूल सरचार्ज लगा दिए, 8,000 करोड़ का सरचार्ज लगेगा,
पांच आठ दस हजार करोड़ का इजाफा होगा। ये हुकूमत के हम खिलाफ, हमको इख्तियार है लड़ने का, आप कहीं को बीच में आ रहे भाई, आप हरगिज मत आओ, आप रेफरी करो, जा करो, बॉक्सिंग मैच हो रहा है समझो, नॉकआउट करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अजीजाने मिल्लत, बात थी अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर की। हम ये सवाल करना चाहते हैं, हुकूमत से हम पूछना चाहते हैं, वो सामी साहब पे केस लगाया आप, 121 क्यों नहीं लगाया आप? अकबरुद्दीन ओवैसी पर हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम, आप बताइए अजीजाने मिल्लत, ये और नहीं तो क्या है? आप ये हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान गद्दार हैं। यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी हर मुसलमान की आवाज है। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी पर 121 लगाकर यह पैगाम दे रहे हो कि हम गद्दार हैं, उस मुल्क से वफादार नहीं है, क्या यह इंसाफ की बात है? मैं दावत फिक्र दे रहा हूं तमाम सेक्युलर जमातों को, चाहे वो तेलुगु देशम हो, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, या टीआरएस हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो, गौर करें इस बात को कि 121 लगा है हम पर। परवीन टोगाड़िया को पे पकड़ते आप, वो सामी जी की पुलिस कस्टडी लिए आप, कितने दिन के लिए? बेल की मुखालिफत करे आप, बेल मिल गई उसको, बेल मिल गई उसको, 121 यहां पर लगा, आज हमारे को बेल नहीं मिली आदिलाबाद में। अकबरुद्दीन ओवैसी बीमार हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी की पेट में आंतें चिपक रही हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का गुर्दा काम नहीं कर रहा बराबर, अकबरुद्दीन ओवैसी बीमार हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर तबीयत बिगड़ जाएगी तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे हम तो बोल रहे हैं सेहत को देखो, मगर नहीं। अरे हम बोल रहे हैं डॉक्टर को मंगवाओ, तो बोले नहीं, उठा के चल नहीं सकते तो कंधे में हाथ देकर लेकर गए। आपने देखा ना वो तस्वीर, वो आप बताइए अजीजाने मिल्लत, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? 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 हमसे दुश्मनी निकाल रहे नहीं, इन्हों हमारे को ऐसा बोले थे सबक सिखाएंगे, उनको सिखाओ आप, मगर आप याद रखो। और फिर अखबार वाले लिख रहे कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद कोई पार्ट पॉलिटिकल पार्टी इनके करीब नहीं आएंगी। हम अछूत हो गए, ठीक है, अनपॉलिटिकल अनटचेबल हैं हम, ठीक है हम हैं, मगर तुम याद रखो असदुद्दीन ओवैसी दारुसलाम के इस तारीखी जलसे से ये ऐलान कर रहा है और कह रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, गयूर मुसलमानों को, सियासी पार्टियों की हमको जरूरत नहीं है, हमारी बखा के लिए, हमारी बखा के लिए हमको अल्लाह काफी। अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो सारी दुनिया को मैं फतेह कर लूंगा, अगर हजारों सियासी पार्टियां भी मेरे साथ हैं, और अगर मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मेरे साथ नहीं है तो मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की जरूरत थी, है और रहेगी। मुझे अल्लाह कामयाब करता आया और करता रहेगा। मुझे अल्लाह अपने फजल और करम से कामयाब किया, मुझे अल्लाह अपने रहम और करम से कामयाब किया, अल्लाह अपने नबी के सदके में मुझे कामयाब किया। मैं किसी सियासी जमात की बीक पर कामयाब नहीं हुआ, मैं अगर कामयाब हुआ तो इन गरीब मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से कामयाब हुआ। अखबार वाले अपनी नहीं, इन्हों अछूत हो गए, कोई खरी न को भाई, हमारे को हाथ लगा है तो शॉट लगेगा आपको देख के, कोई साथ नहीं आएगा इनके, बड़ी फिक्र है इनको, नियाते नकवाओ, हम बताएंगे हम क्या हैं। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हिंदुओं के खिलाफ है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ना हम हिंदू मजहब के खिलाफ हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं,
हम संघ परिवार के खिलाफ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि वो चीफ मिनिस्टर था और उसकी नाक के नीचे गुजरात में 3,000 मुसलमानों की खून की होली खेली गई। हम लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, मगर बीजेपी को दिल्ली में कामयाब होने नहीं देंगे। ये हमारा आजम है, ये हम अहद करते हैं। हम रोकेंगे मोदी को, हम रोकेंगे बीजेपी को, हम रोकेंगे हिंदुत्व की ताकतों को। अरे ये कांग्रेस वाले कुछ भी कर लें, तुम हमको देखो, हम इनको कैसा रोकते। तुम्हारे पास ताकत नहीं है रोकने की, हमारे पास है। तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारे पास जिगर नहीं है। अरे दिल और जिगर तो हमारे पास है। अरे खौफ हमारे पास जमा नहीं हो सकता। तुम डर डर के मुकाबला करते, हम तो कूद जाते कफन पहन के। लड़ेंगे बीजेपी से, रोकेंगे बीजेपी को। और फिर ये बीजेपी वाले बोल रहे नहीं, बोले 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 क्या बोले नहीं, अहमद पाशा कादरी बोले, महात्मा गांधी के खिलाफ बोले। नहीं, हम महात्मा गांधी की इज्जत करते, हम महात्मा गांधी की इज्जत करते। जब ये मुजस्सिमा लगा असेंबली में, उस वक्त मैं एमएलए था, स्पीकर रामकृष्ण डू थे, मैं उस कमेटी का मेंबर था जो मुजस्सिमे की तंसीब की कमेटी बनी। रिकॉर्ड्स में जाकर देखो आप, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम इज्जत उनकी करते। तुम गलत बोल रहे हो, अहमद पाशा कादरी की तकरीर को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हो। हां, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो तुम, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो तुम, सुनो कान खोल के सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी नजर में, मेरी राय में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर बाबा साहब अंबेडकर था। महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था अंबेडकर। क्या तुम क्या करोगे इसको बताओ मेरे को, केस बुक करोगे? बुक करो। मेरी नजर में, मेरी राय में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर चंद्रशेखर आजाद था। मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर भगत सिंह था। मेरी नजर में महात्मा गांधी से बड़ा लीडर वो मुसलमान लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। मैं इनको तुमसे बड़ा लीडर मानता हूं। क्या करते तुम देखो? क्या मेरा अख्तियार नहीं है? मैं अपनी राय नहीं रख सकता? रखूंगा मैं। अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से बड़े लीडर है, सहउद्दीन ओवैसी मानता है। तुम नहीं मानते, मत मानो। अरे गांधी को कत्ल करने वाले हमार को बोल रहे, हम खिलाफ है। कौन था नाथूराम गोडसे? तुम्हारा ही चट्टे बट्टे का था ना? कौन था ये गोली मारने वाले? हमदर्दी की बात कर रहे? कौन था? तारीख खोलूं मैं? अब्दुल गफूर नूरानी की किताब कुछ सामने रखकर बात करूंगा मैं। तुम जवाब नहीं दे सकोगे? नहीं, पाशा कादरी महात्मा गांधी की बेइज्जती करें। नहीं, हम इज्जत करते, मगर हम अंबेडकर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को और वो जो मुस्लिम कायदीन ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, उनको बड़ा लीडर मानते। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, ठहरो, आवाज सुनना है, बात सुनना है, मेरी अब बात सुनो। अहम बात कह रहा हूं तुमसे। असदुद्दीन ओवैसी की नजर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल लीडर गुजरा तो अब्दुल वाहिद ओवैसी गुजरा, दूसरा कोई नहीं है लीडर। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में अगर जिसने आवाम के दिलों पर हुकूमत की, जो सबसे बड़ा लीडर गुजरा, वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। मैं कहता हूं तुमको इख्तलाफ है, करो। ये हमारी राय है, जमहूरियत में हमको इख्तियार है, हम बोलेंगे इस बात को। नहीं, आप ऐसा बोले, क्या बोले? दौड़ रहे कोर्ट को जा रहे, केस रिफर केट जा रहे, कोई कानून है नहीं है? कानून अपना काम करेगा। इनकी फिरका परस्ती तो दिख कर आ गई ना।
मैं जब कह रहा था देखो अकबर की तकरीर, हुकूमत एक बहाना बना रही है मजलिस के खिलाफ, मजलिस को बदनाम करने की कोशिश। अजीजाने मिल्लत, मेरी गिरफ्तारी इस बात को साबित कर दी कि यह हुकूमत मुस्लिम क़यादत के खिलाफ है, यह हुकूमत यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के खिलाफ है, यह हुकूमत अब्दुल रहीम कुरैशी के खिलाफ है, यह हुकूमत हर वो मुस्लिम कायद के खिलाफ है जो इसके जुल्म को अवाम के दरमियान में जाकर इंकशाफ कर रहे हैं। मेरे को गिरफ्तार करें, हो गए ना एक्सपोज। आप करने कुछ और गए, सेल्फ गोल कर लिया आप। मुझे गिरफ्तार करके तुमने मेरी बात को सच साबित कर दिया कि तुमने अकबर को गिरफ्तार क्यों किया। कोर्ट में सही बहस हुई इतने दिन के बाद एफआईआर। मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कहता है तो फौरन हरकत में आना चाहिए। आपको 15 दिन लगे, आप सो रहे थे क्या? अजीजाने मिल्लत, ये दुश्मनी हमसे, ये एक जहन है हमारे खिलाफ। मैं तुम्हारा हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं नौजवानों, मैं तुम्हारे हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं। क्या यही अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं था जिसने मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, इसने मजबूर किया इस चीफ मिनिस्टर को हमारे अराकीन असेंबली ने कि तुमको माफी चाहना पड़ेगा। मजबूर किया चीफ मिनिस्टर हिचकिचाते बड़े शर्मिंदगी से उठ के बोला यस आई एम सॉरी, इनको तकलीफ हुई। यही मजलिस के अराकीन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में 50 एकड़ जमीन बाबा शरफुद्दीन की हासिल किए, इनको गुस्सा। यही मजलिस के अराकीन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मुसलमानों का अक़लियतों के खिलाफ बजट जो पेश किया गया वो नाकाफिए कहकर लड़ा। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली ने चीफ मिनिस्टर को एक्सपोज किया कि फी रिइंबर्समेंट बच्चों को नहीं मिल रही है, घरों में हमको हमारा शेयर नहीं मिल रहा है। ये जहन इनका, ये फिरका परस्ती का जहन। इनको और गुस्सा क्या है कि हम आसाम को गए हम आसाम को। जब आसाम को गए तो किसकी मदद की हम अपने मुल्क की मदद की है ना, हम तो हिंदुस्तानियों की मदद की आसाम जाकर। क्या हमारा जाना गुनाह किया हमने? 3.5 लाख मुसलमान आसाम के रिलीफ कैंपों में रह रहे थे, रमजान का महीना था, भूखे रह रहे थे, हम जाकर उनका साथ दिए। 1 करोड़ से ज्यादा की रिलीफ हम बांटे, डॉक्टरों को लेकर गए, दवाएं बांटे, उन कैंपों में गए जहां पर पुलिस नहीं जा सकती थी, जान को हथेली पर रख कर गए। बाजाबता डराया गया मुझे कि बोडो तुमको मार देंगे, मैंने कहा मरना है तो एक दिन मरने वाला हूं, मर जाऊंगा वहां पर। चिरांग जिले में कोई नहीं गया था, हम गए, हमारे डॉक्टरों को लेकर गए। पुलिस जो हमारे साथ आ रही थी, 2 गाड़ियां थी, 1 गाड़ी रुक गई, 1 गाड़ी वाले बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं जा सकते, बोला नहीं जाऊंगा मैं। 2000 लोगों का कैंप, वहां पर खाने को खाना नहीं था, 200 बच्चे बीमार थे, दवाएं पहुंचाए। इनको ये गुस्सा है कैसा इन आसाम को गए, क्या हम गलती किए बताओ मुझे? गुजरात के बच्चे जेलों में थे, मदद किए, क्या गलती किए? अगर अब्दुल खदीर की रिहाई की बात करें तो क्या गलती कर रहे हैं? अगर आज भी वरंगल, नेल्लूर, कड़पा, वेस्ट गोदावरी, वाइजाक में अगर हमारे मुस्लिम बच्चे 8-8 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, अरे ये चीफ मिनिस्टर से बोले अरे यहां लाओ हैदराबाद को, उनको इनकी बच्चों के, इनके माओं के पास पैसे नहीं है वाइजाक जाकर अपने बच्चों को देखने के लिए, तो क्या हमने गुनाह किया? अगर हमने कहा कि लाओ, अरे केस चलाओ, केस चला के सजा दो इन बच्चों को, तुम ना केस चला रहे ना उनको हैदराबाद को ला रहे। ये दारुसलाम पर उन बच्चों का भाई आकर उसका चेहरा देखे तो रोना आता मुझे, आके खाली बढ़ जाता कि सद भाई क्या करेंगे बताओ, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भूल जाएंगे हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे 4-4 साल से वैजाक की जेल में, कड़पा की जेल में, नल्लूर की जेल में, उनके मां बाप के पास पैसे नहीं है जाने के लिए, तो क्या मैंने गुनाह किया बताओ मुझे?
हम वो बच्चों को बोले लाओ केस चलाओ सजा दो, मगर तुम सड़ सड़ा रहे हो उनको वहां पर। ये इनको गुस्सा, ये चाहते ये हैं कि आपकी आवाज खत्म करके रख दिया जाए, आपको गुंगा बना दिया जाए। इनको गुस्सा इस बात का है कि कोई इनके सामने खड़े होकर इनकी आंख में आंख डालकर बोलता है कि ये गलत है ये सही करो। मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, ये मेरी आदत मेरी फितरत है। इसलिए फितरत है क्योंकि मेरे रहमतुल्लाह अलैहिं ने फरमाया कि बेहतरीन जिहाद वो है कि तुम एक तागूत के सामने खड़े होकर हक को बयान करो। वो हम काम कर रहे, आपको तकलीफ क्या बताइए आप, इनको ही नहीं करना। कैसा बोले आप बच्चों के बारे में, पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते हम, और हमको अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमको मिनिस्ट्रियों से उदय से कोई मतलब नहीं नहीं हमको हमको लाल गाड़ी नहीं चाहिए। मेरे भाई तुम बनाओ मोहम्मद अली शब्बीर को मिनिस्टर, तुम बनाओ किसी और को बनाओ, अरे हम तो दौड़ेंगे, हम तो इस फौज के सिपाही है भाई, तुमको मुबारक ओहदे हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं चाहिए हमको ओहदे। मुझे सिर्फ मिल्लत से मतलब है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ओहदे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक दे दो, मेरे बच्चों को रिहा करो, मेरे बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल दो, मुझे इज्जत की नजर से देखो, मुझे मेरा जायज मुकाम दो इस मुल्क में, मैं इस मुल्क में नंबर एक का शहरी हूं, मैं यहां पर किराएदार नहीं हूं, मैं तुम्हारे ओहदे नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो सऊदी नवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। जेल में मैं हूं, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे कहने अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी ना काफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए। एक औरत ऑटो में बैठकर मीर महमूद साहब पहाड़ी से आती है, कंडी जेल को आती है, दो दिन आई, सुबह 7 बजे से आके ठहरी, मेरे को मेरे बच्चे से मिलना है। और वो मीर महमूद साहब की हमारी मां, मैं जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा 94 में, जब कभी मीर महमूद साहब पहाड़ी गया तो उसे घर को जाके दूध का गिलास पी, तो अल्लाह सलामत रखे उस औरत को। ऐसे लाखों हैं जिनको मैं नहीं जानता मगर दुआएं करते हैं। वो औरत रोते हुए आई, आके बोली अरे मेरे बच्चे को देखना है। जेलर परेशान, ये क्या है साहब, 2 दिन से आके बैठी, बोला बुलाओ भाई मिला दो मेरे को। ये मोहब्बत है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं मिल सकती, जो किसी मिनिस्टर को नहीं मिल सकती, और मैं कुर्बान हो जाऊंगा इस मोहब्बत पर। यकीनन हम जज्बाती हैं, क्यों नहीं होंगे, हम जिंदा कौम हैं, मगर इनको पसंद नहीं है, इनको ये पसंद नहीं है, लालच दे रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा कर लो खत्म कर लो। अरे क्या खत्म करना भाई, कोई खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म हो गए इंशाल्लाह। और तुम गलती किए, तुम में अगर थोड़ा सियासी अकल होती तो तुम ये झगड़े को आंध्र प्रदेश की हद तक रखते, मगर तुम इतना बाजा बजाए अकबर का कि मेरे को पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे। अब मैं डिमांड में नहीं हूं, अकबर डिमांड में आ गए। यकीनन इस मजमे में बैठे हुए बहुत से भाई होंगे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई को बड़े भाई से जानते, या मामला उल्टा हो गया, या मामला उल्टा हो गया। पहले लोग फोन करके बोलते थे आप आइए झारखंड को, लोग बोलते थे आप आइए कर्नाटक को, लोग बोलते थे आप आइए यूपी को बिहार को, अब लोग बोल रहे हैं उन्होंने निकलते कि उनको वहां भिजा दो आप नक्को आओ। हैं ये आपकी वजह से, इसकी जिम्मेदार यहां की कांग्रेस हुकूमत होगी, मैं नहीं चाहता हूं ये, मगर इसके बावजूद भी मैं तुमसे कह रहा हूं कांग्रेसियों, हम 2014 में नरेंद्र मोदी रहन दो कोई रहन दो, उसको तो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, हरगिज नहीं बनने देंगे। जिसकी खियादत में कत्ले आम हुआ हम लड़ेंगे जमहूरी अंदाज में।
और फिर ये बीजेपी वाले मंजलिस ऐसा मंजलिस वैसा मंजलिस को बैन लगाना कहते, शिंदे शिंदे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शिंदे ने क्या बयान दिया, शिंदे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की तंजीम दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। केस डालो शिंदे पे, तुम डालो शिंदे पे केस, क्यों नहीं डालते तुम शिंदे के ऊपर केस? अगर वही बात मैं बोलता तो केस डालते, अब तुम शिंदे पे क्यों नहीं डालते? अजीजाने मिल्लत, मैंने जब तुमसे कहा आपसे कहा कि हमारी लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है, तो देख लिया आपने कि शिंदे के खिलाफ सबसे खिलाफ क्यों है शिंदे के लोग, शिंदे से नफरत क्यों कर रहे संघ परिवार वाले, क्योंकि शिंदे साहब दलित हैं, शिंदे साहब दलित हैं, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर दलित है, इसलिए इनको बड़ा गुस्सा है कि तू दलित रहे कि हमको बोल रहा। अरे हम तो यही चाह रहे कि दलित और मुसलमान एक हो जाए। हम कोशिश करेंगे हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश में कि इसी दारुस्सलाम में एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल के सदके में दिन दिखाएगा कि काश मेरी जिंदगी में हो जाए कि आंध्र प्रदेश में मायावती मुलायम सिंह लालू की तरह दलितों की बैकवर्ड क्लास की कोई क्यादत बने। हम तैयार हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम इनके साथ काम करने को तैयार हैं। अजीजाने मिल्लत, ये शिंदे के खिलाफ, और फिर बोल रहे कि हम तो नेशनलिस्ट हैं, हमको हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। आपको मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है आपको? तो ये इंद्रेश कुमार किसके दोस्त है? क्या इंद्रेश कुमार का नाम समझौता एक्सप्रेस के चार्जशीट में नहीं आया? क्या परवीन टोगाड़िया का नाम चार्जशीट में नहीं आया? आज तुम अब्दुल खदीर को हम पैसे दिए तुम नाराज हो? मुझे बताओ क्या प्रज्ञा ठाकुर के लिए आडवाणी जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात नहीं किए? तुम जा सकते हम नहीं जा सकते, ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो शिंदे होम मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जितने बम ब्लास्ट हुए बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंक्वायरी कराओ, पूरे के पूरे यही निकलेंगे, पूरे के पूरे। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किसने किया? आसिमानंद का नाम कौन है? धन सिंह कौन है? कल सांगरे कौन है? और बीजेपी वालों बताओ किसने किया काम ये? नहीं, मजलिस पे बैन लगा दो, यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी पे बैन लगा दो। अरे यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी सुन लो चीफ मिनिस्टर, ये जलसे हो जाएंगे, हम निकलेंगे अब आंध्र प्रदेश का चप्पे चप्पे का दौरा करेंगे, हर गली कूचों में जाएंगे। अरे तुम्हारे जुल्म से दबने वाले नहीं है हम, मरना एक ही बार है किरण कुमार, दो बार नहीं मरते हम, एक ही बार हम मरेंगे। जब जिंदा रहेंगे तो सुन लो कांग्रेस वालों, सुन लो संघ परिवार वालों, हम मंजलिसी हैं, हमको फकर है हम मंजलिसी हैं। हम जिंदा रहेंगे तो गाजी बनकर रहेंगे, अगर मौत आएगी तो शहादत की मौत आएगी। ये हमको चुड़िया पे इनके मुकाबला करना नहीं आता, आप हर एंगल से मुकाबला करो। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी पर जुल्म कर रहे हो, अकबरुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आयद होती है, उनके उस पुलिस अहदेदारों पर आयद होती है, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बोल दिए तुम, अब कोर्ट में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अजीज दोस्तों, अपनी दुआओं में अकबरुद्दीन ओवैसी को याद रखिए। आज अकबरुद्दीन ओवैसी इनके लिए एक कांटा बन चुका है हिंदुत्व ताकतों के लिए, आज अकबरुद्दीन ओवैसी एक उम्मीद बन चुका है कमजोर तबकात के लिए। आज दुआ करो अल्लाह से, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और बाकी है। अजीजाने मिल्लत,
अजीजान मिल्लत, आज आदिलाबाद से निजामबाद लेकर गए, निजामबाद से फिर आदिलाबाद लेकर गए। ये लोग सिर्फ तंग करने पर तुले हुए हैं। आप दुआ करिए कि अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को और सहद दे। अल्लाह सुबहाना उताला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अकबरुद्दीन ओवैसी की गैब से मदद करे। और अल्लाह पर हमको भरोसा है, हम लड़ेंगे इनसे, जमहूरियत के दायरे में रहकर मुकाबला करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों, जुलूस मीलाद का जो निकाल रहे हैं, खुदा के लिए डीजे को मत रखो, गलत है, ये बहुत गलत है, ये गलत है मेरे भाई। जुलूस में डीजे रखना, म्यूजिक लगाना, नाचना, हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं, हम कब नाचेंगे? हम तलवारों की खनक की आवाज पर नाचेंगे। हम कब नाचेंगे? हम जब दुश्मन मुकाबला करेगा तो हम फरते मसरत से नाचेंगे। वो नाच में और ये नाच में फर्क है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने नाचना, तुम म्यूजिक पे नाच रहे, ये गलत है मेरे दोस्तों, ये बहुत गलत है। जुलूस पुरमन निकालिए, सुबह में कल जो टाइमिंग दिया गया है पुलिस से ताउन करिए, जुमे की नमाज से पहले खत्म करिए। रंग नहीं इस्तेमाल करना मेरे दोस्तों, नहीं नहीं। सोचो कल तुम हशर के मैदान में जाओगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम ठहरेंगे, सहाबा इकराम होंगे, औलिया अल्लाह होंगे, ताबईन होंगे, तता ताबईन होंगे, शेख अब्दुल खादर जिलानी होंगे, शेख अबुल हसन शाजली होंगे, सैयदना अमीर अबुल वला होंगे, क्या जवाब दोगे? सलाहुद्दीन अयूबी होंगे, क्या हम रंग खेलते थे? नहीं नहीं, रंग खेलने वाले नहीं है हम रंग खेलने वाले नहीं है मेरे दोस्तों, हम लड़ने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं, हम मर मिटने वाले हैं, हम गर्दनें कटाने वाले हैं, म्यूजिक पे नाचने वाले हम नहीं है मेरे दोस्तों। ना ना ना, नहीं, हरगिज मत करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं नौजवानों, जुलूस निकालो तो बावजू रहो, जब या रसूल अल्लाह का नारा मानो तो पूरी कुव्वत से मारो और बोलो कि हां, मैं आज से नमाजों का पाबंद रहूंगा। पैदा करो अपनी फितरत में तब्दीली, पैदा करो अपनी औरतों की तो इज्जत करो। क्या तुम कभी जोहरी की दुकान को देखे? जोहरी की दुकान को, जोहरी की दुकान अपनी दुकान का खुफल कैसा लगाता? सोने का तो नहीं लगाता ना, सोने का लगाता, लोहे का लगाता। क्यों लगाता? सोने की हिफाजत होना, हमारी माँ और बहनें हमारी इज्जत है, इनकी हिफाजत करना है। तुम अगर म्यूजिक के डांस पर नाचोगे, फाहिशा हरकतें करोगे, तो फिर तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? मेरे दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बाइज्जत उनको रिहा करवाएगा, हम लड़ेंगे। तुम एक बात जहन नशीन कर लो, मेरी बात दो मिनट के लिए सुनो, जरा ठहर जाओ जाने वालों, मेरी बात जहन नशीन कर लो कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? क्या आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे? आप हमारा साथ दीजिए। और याद रखो कांग्रेस वालों, याद रखो कांग्रेस वालों, किसी एक अल्लाह के वली ने, हजरत शाह कासिम अबुल बुलाई ने कहा था कि ये गोबरी की आंच है, अगर जिस दिन जल गई ये बुझती नहीं, अब ये आंच सिलक चुकी है, ये तुम तमाम को लेकर जाएगी। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पुरमन जुलूस निकालिए और दुआ करते रहिए अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाखर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने एक मरतबा सजदा किया तो सुबह क़यामत तक फरिश्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मिशकात शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी वक्त हशर के मैदान में हजरत आदम मेरे झंडे के नीचे रहेंगे, बल्कि हदीस में आया कि हर नबी और उनकी उम्मत मेरे झंडे के नीचे रहेगी।
عزیزان ملت اسلامیہ، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے تو حضرت جبریل امین براق کی رکاب کو پکڑا، تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل کا براق کی رکاب کو پکڑنا حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اگر حضرت آدم کو سجدہ کیا تو اس لیے کیا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد جنوں سے، انسانوں سے اور پرندوں کے لشکر سے کی۔ اور جب جنگ بدر میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہزار فرشتوں سے کی، تو علماء کرام نے لکھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاءوں پر کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا عزیزان ملت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گونگوں کی زبان، ان کا کلام، پتھروں کا زبان، ان کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر جاتا تو ہر ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا، اور ایک سوکھا کھجور کی ٹہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، جدائی کے غم میں روتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو سنتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں اس کے ہاتھ میں سے پکار کر کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس گوشت میں زہر ڈالا گیا تھا وہ گوشت کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے، حضرت موسیٰ نے پہاڑ پر اپنا عصا مارا تو پہاڑ سے پانی نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو پانی کے برتن میں رکھتے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابی پانی پیتے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حبیب اٹھے اپنا آسا پتھر پر مارے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے انگلیوں کو پانی کے برتن میں رکھ دیجئے۔ تمام 1500 صحابی نے پانی پیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمت اور فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنا آسا پانی پر مارا تو پانی نے راستہ دیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہی اشارہ حشر کے میدان میں کریں گے تو سعد الدین اویسی گناہگار کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس روانہ کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے، فرعون سے بڑھ کے
ظالم لوگ تھے، مگر یہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ڈر لگتا ہے، بلکہ ان تمام کو ڈھیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھڑی کو ہاتھ لگاتے اس میں روشنی آ جاتی، حضرت موسیٰ لکڑی کو جب پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ یہاں پر جنگ بدر میں واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آ رہا ہے کہ عین جنگ کی حالت میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ عین جنگ کی حالت میں ایک صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی اٹھا کر پھینکتے ہیں کہ لو اس سے مقابلہ کرو، جیسے اس لکڑی سے مقابلہ کرتے ہیں تلوار بن جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کر کے عرش مولا تک دکھایا گیا، اور معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات اللہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں آپ نے جب قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ہزاروں برس سے فارس کی آگ جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط کے نیچے جہنم پکار کر کہے گی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مومن، تو جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے تیری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بتایا گیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھیے گی۔ ایک طرف نام یوسف ہے تو دوسری طرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر عورتوں نے انگلیاں کٹائیں تو وہاں پر عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، وہاں پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی تو یہاں پر صبح قیامت تک نام محمد پر ہم اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ مردہ ہو چکے تھے، جن کے جسموں میں روح نہیں تھی، ان کے جسموں میں آپ نے اللہ کے فضل اور کرم سے روح ڈالی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ فضیلت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عزت کی خاطر آپ کو اپنی زبان سے کہنا پڑا، مگر جب ہماری امت کی ماؤں کا معاملہ آیا تو اللہ نے 18 مرتبہ قرآن میں آیت نازل کی ہماری امت کی ماؤں کی عزت کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 40 مرد اور 40 عورتوں نے دین ہے حق کو قبول کیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو کوہ تنیم پر 80 مشرکین چھپے ہوئے حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام 80 پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ جو پانی کے دور جو پتھر ہے کیا آپ اس کو بلا سکتے ہیں اور اس سے کیا آپ کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو حکم دیتے، وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا آتا
اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حکم فرماتے کہ جا اور دوبارہ اپنی اس جگہ پر جا کر ٹھہر جا. تو بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر سہارا ملا تو پانی پر ملا, یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں تو پتھر آ رہا ہے. علماء کرام نے ہم کو بتایا, عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, شاہ ولی اللہ کے والد محترم, آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ نے جب تجلی دیکھی اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے, آپ نے تو معراج کی رات کوئی پردے نہیں تھے, آپ اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو لوگوں سے پردہ کیا ہوا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا اللہ جلال میں تھا تو موسیٰ جلالی ہو گئے, جب میں نے دیکھا تو اللہ جمال میں تھا میں جمالی ہو گیا. اسی لیے شاعر نے کہا کشف الدجا بجمال ہی. عزیزان ملت اسلامیہ, ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے رگوں میں خون کو گرم کیا جائے. یہ دارالسلام کا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے, سنیے میری بات کو, میں ایک سیاسی لیڈر ہوں, میری بات کو سنو. ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک اسلامی اسپرٹ کو پیدا کیا جائے. یہ دارالسلام کا تاریخی اسٹیج ہے, یہاں سے شریعت کے جلسے ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی, تحفظ شریعت کے, یہاں پر جلسے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے اور انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے. برسہ برس سے فخر ملت علیہ الرحمہ کی زندگی سے جلسے رحمت العالمین ہوتا آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, مقصد یہی ہے کہ تمہارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو گرم کیا جائے, اس کو گرم کیا جائے, اس لیے کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا, ظلم کے خلاف اٹھنا پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آپ جتنے لوگ آئے ہیں آپ کس ایک اور اہم موضوع پر میری بات سننے کو آئے ہیں, میں ضرور اس کا ذکر کروں گا اور میں تم کو بتانا چاہوں گا نوجوانوں, میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں, میرے بزرگان ملت, میری عزت دار ماں اور بہنوں, یقیناً آج جب ڈائس پر دیکھتا ہوں میرے اراکین اسمبلی کو تو یقیناً مجھے میرا رکن اسمبلی یاد آتا ہے. مگر عزیز دوستو, آج اگر قوم اور ملت کا ایک بے باک لیڈر اگر عادل آباد کی جیل میں ہے تو یقیناً ہم خوش تو نہیں ہیں مگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہیں, اور ہم اللہ کی ذات پر پورا توکل کرے ہیں. اور میں نوجوانوں, میرے بزرگان ملت, میری عزت دار ماں اور بہنوں, لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی جیل میں ہیں, اکبر الدین اویسی پر ظلم کیا جا رہا ہے, یقیناً, مگر میرے عزیز دوستو, کیا اللہ قرآن میں نہیں فرمایا کہ تم کو آزمایا جائے گا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو بھوک اور پیاس پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا, اور جو اس میں صبر کریں گے اللہ ان کو کامیاب قرار دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں, مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, عزیزان ملت, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا بھوک اور پیاس اور جان سے, تاکہ فرما بردار اور نافرما برداروں میں ایک فرق پیدا ہو جائے, ایک فرق پیدا ہو جائے. اور عزیزان ملت, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں,
اور اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مصائب اور مشکلات میں صبر کر رہا ہے، مجھ پر توکل کر رہا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد ہوگا، جس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کیا تم بھول گئے اس حدیث شریف کو کہ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ تمام غیر اور تمام مشرک متحد ہو رہے ہیں، یقیناً ہو رہے ہیں، پورے متحد ہو رہے ہیں ایک ساتھ۔ کیا تم بھول گئے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح سے متحد ہو کر تم پر حملہ کریں گے جیسے کوئی دسترخوان پر حملہ کر رہا ہے۔ کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین پر، مسلمانوں کے اتحاد پر، مسلمانوں کی قیادت پر، مسلمانوں کے قائدین کو ختم کرنے کے لیے سب ایک ہو کر حملے کر رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تعداد بہت ہوگی مگر تم میں وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر۔ میرے غیرت مند نوجوانوں، آج جو ساری دنیا میں، سارے ملک میں، سارے ہمارے شہر میں اگر یہ لوگ ایک ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری مال اور جان کو جنت کے عوض خرید لیا۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہمارے اپنے مقام کو، خریدار اللہ ہے، اللہ جو زمین و آسمان کا خالق، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جان تو اس کی، ہماری تو نہیں ہے نا، اس کی دیوی ہے، اس نے ہم کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، دولت اس کی عطا کی ہوئی ہے، یہ اس کی شان کریم۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہوں۔ نوجوانوں، تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ، تم دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ۔ یاد رکھو، تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا۔ آج کے اس جلسے کا اگر تم مجھ سے پیغام لے کر جانا چاہتے ہو تو صرف یہ بات لے کر جاؤ کہ جب میں اس دارالسلام کے تاریخی جلسے سے باہر جاؤں گا تو میں عہد کر کے اٹھوں گا کہ میں موت کا خوف نہیں کروں گا اور دنیا سے محبت نہیں کروں گا۔ اگر یہ جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ اگر ہم تمام کو توفیق دے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کی شان کریمی دیکھو، خریدار اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت؟ یہ چیف منسٹر ہمارے کو جیل میں ڈال کے سمجھتا، قید خانے میں ڈال رہا، یہ کانگریس والے ہم کو جیل میں ڈال کے سمجھتے کہ قید خانے میں ڈال رہے ہیں۔ سنیے ادب، یہ جلسے رحمت اللہ العالمین ہے، سیاسی ٹھہریے، سنیے میری بات کو۔ جلسے کے اختتام کے بعد سب نعرے ماریں گے، میں بھی ماروں گا ساتھ آپ کے، اتنا بڑا نعرہ ماریں گے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے اللہ اس کے رسول سے، اور اپنی نعرے کی گونج اتنی رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی عادل آباد کی جیل تک، اکبر کی کانوں تک ہماری آواز پہنچے گی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر شروع ہو گیا،
जरा ठहरो, पूरे टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे, यूट्यूब पे डालते बोल रहे, सुनो जरा। पुलिस के भी आपके सुना, हमारे जलसे में पुलिस के 5 कैमरे है गते। अच्छा है 5 रखो, 500 रखो, मगर तुम याद रखो, तुम मेरे को नहीं पकड़ सकते इंशाल्लाह। मैं सब कुछ बोलूंगा, तुम जो नहीं सुनना चाहते वो भी बोलूंगा और बोल के निकलूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अज़ीज़ाने मिल्लत, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यसउद्दीन ओवैसी का जलसा नहीं है, यसउद्दीन ओवैसी का जलसा नहीं है, यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। तो ठहरिए ठहरिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनिए। अरे गुस्सा दिखाना तो पोलिंग के दिन दिखाना, जब ये पूरा मजमा और आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान, जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, अगर 80 लाख लोग निकल कर अपना मजारा करेंगे तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी इंशाल्लाह। तो अजीज दोस्तों, बैठिए बैठिए बैठिए। तो सुनो थोड़ी देर, सुनो सुनो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, यहां जो सामने बैठे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दिमाग बना के आए नारे मारेंगे। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, प्लीज मेरी बात को सुनो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये हमारे लिए ये मुश्किलात, ये इम्तिहान कोई नई बात नहीं है। क्या तारीख इस्लाम हमको नहीं बताती अज़ीज़ाने मिल्लत कि हजरत नूह अलैहि सलाम ने, जैसा मैंने कहा, 950 साल तबलीग की और रोज हजरत नूह निकलते थे अपने घर से और लोगों से कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दो, तुम फला पालोगे, तुम फला पालोगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। और लोग क्या करते थे अल्लाह के रसूल से, नूह अलैहि सलाम से, उनको मारते थे, इतना मारते थे कि रोज फसलियां टूटती थी हजरत नूह अलैहि सलाम की। रात में हजरत जिब्रील अमी आते और उनका इलाज करते, फिर हजरत नूह निकलते और कहते कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम फला पालोगे। एक मर्तबा एक खबीस ने अपने छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और कहा, देख ये नूह अलैहि सलाम है, तू बड़ा होए तक ये मर जाएंगे, तू इस एजाज से महरूम हो जाएगा, तो ये ले पत्थर और उनको मार। और वो बच्चा, वो खबीस, उसका बाप खबीस, वो पत्थर लेकर हजरत नूह अलैहि सलाम को सर पर मारता है, सर से खून निकलता है। तो हजरत नूह पुकार कर अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, अब इस जमीन पर तू कोई काफिर को ना रख, अगर तू इनको बाकी रखेगा तो ये तेरे बंदों को भटकाएंगे और उनकी औलाद भी सरकश निकलेगी। अल्लाह हुक्म फरमाता है कि नूह कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। तो मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, कि हजरत नूह अलैहि सलाम ने बातिल से मुकाबला किया, हजरत नूह ने बातिल से मुकाबला किया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का वाकया तुम भूल गए कि आतिश नमरूद में आपको जाना पड़ा, वो ठंडी हो गई, आपने बातिल से मुकाबला किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दो, आप तैयार हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नौजवानों, क्या तुम भूल गए, हजरत याकूब अलैह सलाम ने हजरत यूसुफ अलैह सलाम को जब खोया तो इतना रोए, इतना रोए कि आंख की बीनाई चले गई। क्या तुम भूल गए मेरे नौजवानों, अगर आज तुम्हारे दिलों में गम और मायूसी पैदा हो रही है तो उसको निकालो, उसको निकालो। क्या तुम भूल गए, हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने अपने वालिद से जुदा हुए, बौली में फेंक दिए गए, मिस्र के बाजार में फरोख्त हुए, जिना की तोहमत लगाई गई, कैद में रहना पड़ा, फिर अल्लाह ने उनको इज्जत से नवाजा, वो मिस्र के बादशाह बने। आज यूसुफ अलैह सलाम की सुन्नत हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि देखो, मसायब और मुश्किलात में अगर तुम साबित कदम रहोगे, यही ईमान की निशानी है। तुम अगर मसायब और मुश्किलात में साबित कदम रहोगे, यही ईमान की निशानी है। मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुम भूल गए,
حضرت ایوب علیہ السلام کو 30 سال آپ نے بہترین زندگی گزاری، 12 لڑکے، بکریوں کا ریوڑ، اونٹ، کھیت اور باغ کے فصل۔ حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ اے ایوب علیہ السلام تیار ہو جائیے، اللہ آپ کا امتحان لینے والا ہے۔ آپ رات میں عبادت کے بعد اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، آپ کا غلام آ کر کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے پورے بکریوں کا ریوڑ بہہ گیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہواؤں کی وجہ سے پورے اونٹ ختم ہو گئے، باغات پر بجلی گری پورے ختم ہو گئے۔ ایک اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے 12 بچے جس مدرسے میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس کی چھت گری، وہ پورے شہید ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ اور 30 سال تک آپ اسی مرض میں رہے اور اللہ کے سامنے کیا عرض کیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ نوجوانوں، نوجوانوں، یہ واقعات کو یاد رکھو۔ کیا تم بھول گئے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ کے اس واقعے کو کہ کیسے ایک اللہ کے رسول نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے۔ حضرت زکریہ نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا اللہ نے دیا، کہا کہ تم جو چیز چاہتے ہو ایک نبی میں ہو سکتی۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ نہیں کر سکتے، یہ غیر شرعی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے والد مقبول دعا ہیں، اگر ان کو کریں گے، بیٹے کو کریں گے، تو آپ کی ان کی دعا سے حکومت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پہلے والد کو آپ قتل کر دو۔ جب گھر میں گئے تو حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹے کو شہید کر دیا۔ والد دوڑے اللہ کے رسول، جا کر ایک جھاڑ کے میں چھپ گئے تو ظالموں نے آرے سے جھاڑ کو کاٹ دیا، آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ظالم نے اپنی ظلم کی داستان لکھی اور اللہ کے محبوبوں نے اپنی قربانی کی داستان لکھی۔ عزیزان ملت، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ بولو پیروی اس بات کی کرو کہ پڑوسیوں سے محبت کرو، پیروی اس بات کی کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، پیروی اس بات کی کرو کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، پیروی اس بات کی کرو کہ روزے رکھو، پیروی اس بات کی کرو کہ اپنے راتوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج یقیناً کیا میرا غم تم سے زیادہ یا کم ہوگا؟ یقیناً میرا غم بھی ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ مقابلہ حق اور باطل کا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیابی دی۔ کیا ہم بھول گئے عزیزان ملت؟ کیا ہم بھول گئے کہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ نے اپنی جسم کے ٹکڑے کرا دیے مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ فاروق اعظم نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ عثمان غنی نے شہادت کو پسند کیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے کہ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا کرنا پسند نہیں کیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں، میری غیرت مند ماں اور بہنوں، کیا تم بھول گئے کہ کربلا کے اس قافلے کو کہ کیسے امام حسین نے
اپنے پورے خاندان کو حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر امت کو درس دیا صبح قیامت تک کہ باطل سے سمجھوتا مت کرو۔ کیا تم بھول گئے نوجوانوں کہ جب وہی امام حسین نواس رسول جب اپنے فرزند کی لاش مبارک کو لے کر اپنے خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی صاحبزادی پکار کر کہتی ہے کہ پھپھو جان، ابا جان بوڑھے ہو گئے، ابا جان بوڑھے ہو گئے، کیونکہ امام حسین اپنے فرزند کی لاش کو اٹھاتے ہیں تو پورے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں غم میں۔ آج رگے کربلا سے آواز آ رہی ہے نوجوانوں، آج وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ تم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو، تم کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو، حق کی سربلندی کے لیے لڑو۔ نوجوانوں بھولو نہیں کہ حضرت طلحہ کی قربانی کو، نوجوانوں کہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور طلحہ اپنے ڈھال سے تیروں کو روک رہے ہیں، حضرت طلحہ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے، وہ جھک کر ڈھال نہیں اٹھاتے اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں جھکوں گا تو کوئی تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، تو آپ اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں، پورا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، حق سے محبت کرتے تھے، ظالم سے نفرت کرتے تھے، اور جب جنگ کے بعد جب کبھی ان کا ہاتھ درد ہوتا ہے، شل ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ کا ذکر کرتے اور کہتے کہ میں اس ہاتھ سے اللہ کے رسول پر جو تیر برسائے جا رہے تھے اس کو روکا۔ آپ شہید ہوئے کسی جنگ میں تو شیر خدا امیر المومنین حضرت علی نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کو اٹھایا اور چوما اور روتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو جس ہاتھ نے اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے تھے اس نے اس ہاتھ سے اس کو روکا۔ تو نوجوانوں اگر کوئی تم کو تمہارا ہاتھ توڑتا ہے تو تم سنت طلحہ کی پیروی کر رہے ہو، تم سنت طلحہ کی پیروی کر رہے ہو۔ اگر تم اپنی گردن کٹا رہے ہو تو امام حسین کا جو درس ہے وہ درس کربلا تمہارے سامنے ہے۔ نوجوانوں کیا تم بھول گئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو کہ جنگ بدر کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا، دشمنوں نے گرفتار کیا، اتنا مارا، اتنے زخم ہو گئے، آپ چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو ظالموں نے پوچھا اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ سلام، لاکھوں سلام اس عظیم صحابی رسول پر، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب پھانسی کے تختے پر لے کر گئے تو ظالموں نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش، تو انہیں کہا دو رکعت نماز پڑھنے دو۔ دو رکعت نماز پڑھی، جلدی پڑھی، تو ظالموں نے پوچھا کہ جلدی نماز پڑھ لی، تو اس بہادر صحابی نے ارشاد فرمایا، کیا جواب دیا سنو نوجوانوں، انہوں نے کہا کہ میں نماز جلدی اس لیے پڑھا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ میں موت کے ڈر سے نماز آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو پکار کر کہا اور ہم سب کو جواب دیا، ہم سب کو پیغام دیا صبح قیامت تک کہ حق کی سربلندی کے لیے اگر تم کو تمہارے گلوں میں پھانسی کا پھندا بھی ڈالا جا رہا ہے تو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، کبھی اپنے دین کو بدلنا نہیں، وہ منافق ہیں جو ظالم کے ڈر سے ان کا ساتھ دیتے۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کو آئے، ہم کسی کی غلامی کرنے کو نہیں آئے، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے۔ یہ حکومتوں کی غلامی ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ حکومتوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، اب اہم موضوع جو پریس والے آ کے بیٹھے ہوئے، جو بے چینی سے بیٹھے ہیں، جو پولیس والے بے تابی سے سن رہے ہیں، سنو میری بات کو۔ کسی شاعر نے اچھا کہا عزیزان ملت،
नाले बुलबुल शायदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। सबसे पहली बात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ कुशईगुड़ा पुलिस स्टेशन में केस डाले। कोई अग्रवाल साहब है, बाइज्जत आदमी है, बाविखार हो सकते नहीं हो सकते मेरे को नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने कोर्ट में डाला और कोर्ट ने कहा कि केस रजिस्टर करो, तहकीकात करो। हमारे वकील ने मुझे उनका पिटीशन मुझे दिया। पिटीशन में ये मौसूफ लिखते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का तो खैर जिक्र है, खैर सारी दुनिया में हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब निकलेंगे सिटी नहीं, वो जब निकलेंगे वो जवाब देंगे और कोर्ट में भी देंगे। मैं यहां पर अपना जवाब देने के लिए ठहरा हूं। ये साहब लिखते हैं अपने पिटीशन में कि असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा इसलिए आयद किया जाए, मैं कुशाईगुड़ा के पुलिस वालों से कह रहा हूं कि मेरा बयान तुम लिखो, मैं तुम्हारे को यहां से मेरा बयान दे रहा हूं, सेक्शन 41 सीआरपीसी की नोटिस मत दो मेरे को, तुम्हारा काम में आसानी पैदा कर रहा हूं, मैं काम में आसानी पैदा करो, मेरे घर पे भी नक्को लाओ, मैं यहां से बोल रहा हूं लिखो। सबसे पहली बात सुनिए थोड़ी देर के लिए, सबसे पहली बात कि ये मौसूफ लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दहशतगर्द है। क्यों है? इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज से 4 साल पहले अब्दुल खदीर नामी एक शख्स जिसने एसीपी को गोली मारी थी उनको 3 लाख रुपए दिए, इसलिए ना दहशतगर्द है। अब्दुल खदीर को यकीनन हम 3 लाख दिए, और तुम मेरा बयान खलमबंद करवा लो कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत दी तो 3 लाख नहीं 30 करोड़ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों दूंगा? इसलिए दूंगा कि वो 20-22 साल से जेल में है, वो जुल्म का शिकार है। क्या कानून में किसकी सजा कितनी हो सकती है लाइफ की? 13 साल, 14 साल, आप 22 साल हो गए। सुन लो बीजेपी वालों, मैं 3 लाख दिया ना और दूंगा, भीख मांगूंगा आवाम के सामने के खदीर के नाम पे, 2 खदीर को, और लेके रहूंगा, तुम देखो मेरी बात को, दूंगा, खुलकर दूंगा, तुम्हारी मां नहीं जनी मेरे को रोकने के लिए। मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन मैका लाल मुझे रोकेगा खदीर की मदद करने से। मुझे दस्तूर हिंद कानून इस बात की इजाजत देता है कि मैं इसकी मदद करूं। जब लाल कृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जाकर जेल में मिल सकते हैं तो क्या मैं खदीर के लिए पैसे नहीं दे सकता हूं? बराबर देंगे और देंगे, देते रहेंगे। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अभी बहुत है, थोड़ा बैठो बैठो, फिर बैठ खड़े हो। दूसरा पॉइंट, एफिडेविट पिटीशन में क्या लिखे मौसूफ? खदीर का तो हो गया, लिख लिए ना आप कुशाईगुड़ा वाले। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई? 2:45 हो रहे हैं, आप सुनना चाह रहे? हाँ तो ठहरिए, खामोश, जरा जरा प्लीज सबर। दूसरा पॉइंट क्या है उसमें कि कोई यूट्यूब पे नू वीडियो देखे। वीडियो में यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी से लड़ रहे हैं, इसलिए नू टेररिस्ट है, केस बुक करो। मैं जाकर देखा कौन सा कब लड़ा मैं,
तो मालूम हुआ जब वाटोली में 7 मासूम लोगों को एक खानदान के घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया 2008 में, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भैंसा के पास वाटोली गांव में 7 लोगों को जिंदा जला दिया, याद है ना आपको? तो मैंने भैंसा के गेस्ट हाउस में जो जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे उनसे मुकाबला किया, लड़ा उनसे। मुझे पूरा अख्तियार है जमहूरियत में कि मैं लड़ूं, और अगर कोई किसी मासूम को जिंदा जलाता है, मासूम 2 साल के बच्चे को जिंदा जलाया गया, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? हां, मैंने लड़ा जाना रेड्डी से, होम मिनिस्टर से मैंने लड़ा। मैं जाना रेड्डी से नहीं बल्कि होम मिनिस्टर से लड़ा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर लड़ूंगा, रास्ता रोकूंगा, जाने नहीं दूंगा उसको। हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। आवाम ने अगर हमको वोट देकर कामयाब किया तो क्यों किया? थालियां मारने के लिए नहीं। आवाम ने कहा कि तुम मेरी जान और माल का तहफ्फुज़ करना। हम धूप में ठहर कर अपनी उंगलियों को सड़ा देते हैं, गला देते हैं तुम्हारे लिए। औरतें क्या करती हैं कि मासूम बच्चों को लेकर 6-6 घंटे पोलिंग बूथ पे ठहरती हैं, धूप में वोट डालती हैं। तो क्यों डालती हैं? कि हमारे आस्ते कोई लड़े। हां, मैं लड़ा होम मिनिस्टर से, क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ूं। मैं तुम जलाओगे हमारे बच्चों को, तुम संघ परिवार के लोग हमारे बच्चों को जलाओगे, और हम होम मिनिस्टर से नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे बराबर होम मिनिस्टर से, लड़ते रहेंगे जब तक असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस्म में आखिरी सांस रहेगी। हम संघ परिवार से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और ऐसे ही दुनिया से जाएंगे। हम ऐसा नहीं जाने वाले। तो मालूम क्या हुआ, इनको बड़ा गुस्सा आ गया। कैसा लड़े उनसे? क्यों, क्या होना अब? क्यों नहीं लड़ना था कहते? तीसरी बात, नहीं नहीं आवाज सुनो, खाली देखने की जरूरत नहीं है, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं, बैठो। तीसरी बात, उसमें क्या लिखा उस शख्स के, मैं बल्दिया इलेक्शन में एक एसीपी से लड़ा, वो यूट्यूब पे भी है सुना। मेरे को नहीं मालूम भाई यूट्यूब, बाद में मेरे को किसी ने कहा कि हाँ ये यूट्यूब है, और बताया कि जो 2009 में बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, मैं एसीपी से लड़ा। अरे भाई, जमहूरियत में क्या मैं जाकर पूछ नहीं सकता हूं एसीपी से, आप क्यों बोगस सिंह करा रहे? क्या आप क्यों गुंडों का साथ दे रहे? आप क्यों जालिमों का साथ दे रहे? नहीं, इनको तकलीफ हुई तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं अब्दुल खदीर की मदद किया, मुझे उस पर फख्र है। क्या मैं गुनाह किया कानूनी तौर पर? नहीं किया, और करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और मदद करेंगे। और मैं तो, हम तो हर बार अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, बरसों से अब्दुल खदीर को पेरोल पे निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं हुकूमत से कि छोड़ो उसको, उसको छोड़ो, उन नक्सलाइट्स को छोड़ो जो पिछले 15-18 साल से जेलों में। हमारा मुतालबा तो यह है कि छोड़ो खदीर को, तुम डालो, इस बात पे लड़ूंगा मैं। आप ये समझ रहे केस डालेंगे तो पीछे हट जाएंगे? नहीं हटने वाले। हम जो करें हमको उस पर फख्र है, और मजलिस की तारीख रही कि एक बार जो कर दिए फिर उस पर कोई पीछे नहीं हटते। हम पीछे नहीं हटते। तुम मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। तुम जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ना चाह रहे, आई एम रेडी। तुम दूसरा मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। तुम जैसा मुकाबला करना चाह रहे, मैं तैयार। मगर एक बात अपने जहनों में बिठा लो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं आखा के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। मैं चुड़िया पहन के लड़ने वालों में से हरगिज नहीं था, ना रहूंगा। ये केस डाले। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर ये बोलते, चीफ मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं
कि मेरा ताल्लुक नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है आपका। हम कहां बोले आपका ताल्लुक है बोल के? आपका तो ताल्लुक किसी हैज नहीं ना भाई। आप तो बह जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं कुछ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाह रहा हूं, यकीनन मुझ पर मुकदमा है। और मुझ पर मुकदमा क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि मुतंगी के मुकाम पर मस्जिद है, रोड वाइडनिंग के नाम पर मस्जिद को शहीद कर रहे थे। मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का एक्ट है 1995 का, कि आप एक इंच जमीन नहीं ले सकते, आप परमिशन नहीं लिए। मैं गया जाके रुकाया, भाई मेरे अल्लाह के घर को आप शहीद कर रहे थे। मैं जाके एहतजाज किया, आप दीवार भी तोड़ दिए, बिल्डिंग भी थोड़ा खा गई थी। एहतजाज किए, हम एहतजाज किए, हम मानते उस बात को। अब आप आवाम से ताल्लुक मेरा ये, आपसे सवाल ये है कि क्या अगर बगैर कानून को फॉलो करे कोई चीज आप करेंगे तो क्या आवाम का नुमाइंदा जाके सवाल नहीं करेगा? अरे कैसा तोड़ रहे भाई आप, हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, तो लोग यही पूछेंगे ना, असद साहब ये आप क्या करें आप रहते हुए, वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं था, आप कैसा इजाजत दे दिए? हम एहतजाज करें, केस बुक हुआ हमारा, ठीक है केस बुक हुआ। मैं कोर्ट को गया ना, आज कह रहा हूं आपसे, मैं जाने वाला था पहले ही, तो वहां के पुलिस वाले बोले साहब अभी मत आओ, वो कोई मोहंती साहब एसपी हैं, उनके जाने के बाद आ रहे। मिला भाई मैं आना चाह रहा हूं। नहीं अभी नक्को आओ। अकबरुद्दीन ओवैसी को जब लेकर गए, मिला मैं आ रहा हूं, हाथ जोड़ के बोलते साहब मत आओ, एक को संभालना मुश्किल है, बड़े आ गए तो और मुश्किल। ये जुमला कहा उन्होंने? मैं बोला ठीक है। मैं पीर को गया, मैं यकीनन डरने वालों से नहीं हूं। मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं, आप पूरे आंध्र प्रदेश में मुकदमे बुक कराओ, मैं चल के जाऊंगा, मैं लड़ने तैयार हूं। कान खोल कर सुन लो कांग्रेस वालों, मैं जमहूरी तौर से लड़ने तैयार हूं, कानून के जरिए लड़ने तैयार हूं। मैं लड़ाई से पीछे हटने वालों में नहीं हूं, मैं पीठ दिखाकर भागने वालों से नहीं हूं। जमहूरियत में आमने सामने मुकाबला होगा, और मैं तुमको बताऊंगा कि पीठ कौन दिखा के भागेगा, कौन चप्पल छोड़कर भागेगा। और पोलिंग बूथ में आंध्र प्रदेश के 80 लाख मुसलमान जब जाएंगे पोलिंग बूथ को, जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस वालों तुम लिख के रख लो, 80 लाख मुस्लिम अकलियत का एक वोट इंशाअल्लाह ताला तुमको नहीं मिलने वाला है। मैं इस मुबारक जलसे से फर्जंदाने तौहीद से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि क्या जब कभी भी असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, क्या तुम किरण और कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम इनको वोट दोगे? क्या तुम मजलिस को कामयाब करोगे? क्या तुम अकबरुद्दीन ओवैसी को कामयाब करोगे? क्या तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करोगे? ये जवाब हमारा मिल गया। बैठिए, अभी खत्म नहीं करा मैं, बैठो, अभी तो वार्म अप हुआ हूं। बैठिए, हां बैठिए। तीसरी बात सुनिए जरा।